हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स चैनल। सो मैं बना रही थी वेज गलौटी कबाब। उसके लिए हमें उबले हुए राजमा चाहिए रात को सूखे हुए, और कैरेमलाइज्ड अनियंस चाहिए। पहले आप राजमा को पूरा बॉईल करके नमक डाल के उसको पूरा क्रश कर लीजिए। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालो, हरा धनिया डालो, और ये अनियन को मैंने फ्राई करके पीस लिया था तो उसमें वो डालिए। कम से कम 3 बड़े अनियन अगर आप 150 ग्राम राजमा ले रहे हैं तो चलेगा। इसको मिक्स कर लो, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे स्लाइमी बनाना है, बिल्कुल मोटा नहीं रहना चाहिए। इस तरफ मैं बेसन भी भून रही हूँ, बाइंडिंग के लिए बेसन डालना है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर एंड टेस्ट, पिसा हुआ धनिया, नमक, चाट मसाला, इसमें ये सब डलेगा, इससे टेस्ट एनहांस होता है। और एंड में डालिए गरम मसाला, कि गरम मसाले से ही ज़्यादा टेस्ट उसमें आएगा। जब ये सारा पूरा बैटर रेडी हो जाएगा, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, उससे टेस्ट आता है। नमक भी वॉचफुल विद नमक, क्योंकि आप नमक इसमें आप अगर आप चाहते हो तो इलायची भी डाल सकते हो। ओके, नमक थोड़ा सा कम डालना, क्योंकि राजमा भी है, फिर चाट मसाले में भी है तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा टिक्की जैसा शेप दीजिए पाम से, और उसके बाद इसको सेक लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए जैसे आपको करना है। ये इसका फाइनल लुक है। खाने में बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। थैंक यू।